हेल्पिंग हैंड तो एक एनजीओ है जो नॉर्थ ईस्ट का जो ऑल द सक्सेसफुल पीपल के साथ में है। और आज जो जो आज फंक्शन किया है अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन जो बामांग टागो मेरे साथ भी है, ये अपना हैदराबाद से सुनील चावली है, ये मेन मकसद ये है कि हमने एक बार जैसे पहले बताया था आपको कि अरुणाचल वाला जो स्पोर्ट्स में ज़्यादातर लोग बहुत पतला दुबला सा रहते हैं। दिल्ली में एक इंसिडेंट हुआ कि बोल कहते कि ये क्यों इतना पतला दुबला है, तो कुछ लोग कहा कि इनका बैलेंस डाइट ठीक नहीं है। तो तब मेरे आइडिया शुरू हुआ कि अरे व्हाई नॉट गिव देम ए बैलेंस डाइट। तो करते करते आज हम लोग जो ये बीआर इंडस्ट्री के साथ में हम लोग जो अभी स्कॉलरशिप लॉन्च किया है ये 4 ईयर्स के लिए, नंबर वन, नंबर टू केस अवार्ड भी दिया हुआ है। ऑफ कोर्स उनका जो टर्म्स एंड कंडीशन है, रेगुलर होना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, वो सब तो है ही है। और ये 4 ईयर्स में हम लोग जानबूझ के उनको पैसा नहीं दे रहा, क्योंकि पैसा देने से जनरली जो यंग लड़का लड़की लोग उसको अपना मोबाइल खरीदने में इधर उधर में अननेसेसरी एक्सपेंडिचर खर्च करेगा। इसीलिए हम लोग ने जानबूझ करके उसको एवरी मंथ अच्छा बैलेंस डाइट जो इंटरनेशनल सर्टिफाइड है, प्लस यही डाइट हमारा आर्मी नेवी एयरफोर्स तो खाते हैं जो बिल्कुल बॉर्डर में रहते हैं, वेरी वेल बैलेंस है, तो उनको हम लोग हेल्पिंग हैंड के थ्रू पहुंचा दिया जाएगा। तो अभी तो अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन ने भी उन्होंने भी चिप इन कर लिया है, उन्होंने भी और हम लोग साथ में मिलकर सही तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री, पहले बार हुआ है। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू अरुणाचल प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन जो बामांग टागो है, प्लस उसका प्रेसिडेंट जो ऑनरेबल मिनिस्टर है, जिन्होंने भी बहुत ही हमें साथ दिया है इस आज जो स्कॉलरशिप को जो फंक्शन करने में सक्सेसफुल के लिए दिया हुआ है। द होल आइडिया इज कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल में 31 सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप हम लोग को मिला है, जो कि सारा नॉर्थ ईस्ट के लिए है। तो ये दर्शाता है कि क्योंकि सिलेक्शन बहुत स्ट्रिंजेंटली सिलेक्शन हुआ है, ताकि जिनको जो जरूरतमंद है उसी को ही दिया गया है। सो दैट इन फ्यूचर में आफ्टर 4 ईयर्स के बाद में आवर एम इज टू जो बीआर इंडस्ट्री है, जो मेजर विशाल बख्शी है और उनका सीईओ अभी कुछ लखनपाल भी वेरी इमोशनली अटैच कि हम पहाड़ों के लिए भी करेगा बोल करके, ये हमारे साथ भी ये लखनपाल भी है अपना सीईओ जो बीआरआई इंडस्ट्री का। सो नंबर वन एनकरेजमेंट, नंबर टू टू मिशन ओलंपिक, नंबर थर्ड टू कीप अवे यूथ फ्रॉम ड्रग एंड ऑल काइंड ऑफ यूनियनिज्म एक्टिविटीज, नंबर फोर्थ टू गिव देम ए फेथ कि हम आगे कुछ कर सकता है। एंड लेट मी टेल यू, अभी भी नेशनल गेम में अरुणाचल वाला 17 पार्टिसिपेट किया, 7 मेडल लेके आया, तो इसका मतलब हमारा बहुत पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए ये एक नया दिशा है। यस सर, ये स्कॉलर आज अरुणाचल में आप एंटर कर चुके हैं, इसको ऑलरेडी नोटिस में आप इसको लॉन्च कर चुके हैं ना, अरुणाचल शुरुआत अरुणाचल से हुआ है, सारा नोटिस के लिए भी है, सारा स्टेट से उनको अवार्ड मिला। हम लास्ट वीक ही नागालैंड को देके आ गया हूँ, और जो जहाँ पे नहीं है एक दो है उसको हम लोग अपना वहाँ स्पीड पोस्ट से हम लोग भेज दे रहे हैं। सर आप भेज रहे हैं ये स्कॉलरशिप को सर थोड़ा सिंपलीफाई सिंपल वे में बता पाएंगे? अच्छा, सर हाँ, किस तरह का लोग हाँ, स्कोप हाँ, कर पाएंगे ठीक है, फ्यूचर में अगर हाँ, करना चाहेंगे तो किस तरह का प्रोसीजर रहेगा? गुड आइडिया। ये स्कॉलरशिप ये है कि जो आदमी जो स्पोर्ट्स पर्सन जो लड़का लड़की जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल में स्टेट लेवल में नेशनल लेवल में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है रिसेंटली विदिन 2 ईयर्स, नंबर वन, नंबर टू ही शुड डेट और जहाँ से भी पार्टिसिपेट किया है वो अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का सर्टिफाइड रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स में होना चाहिए। थर्ड, ये जो जो जिन्होंने अप्लाई किया जिनको मिला है जो अप्लाई करना चाहते हैं वो किसी संस्था, जरूरत नहीं है कि सिर्फ किसी एकेडमी में ही पढ़े, वो क्यों ना हो गाँव वाला भी हो सकता है, कोई मतलब अनएम्प्लॉयड भी हो सकता है, लेकिन वो मेडल जीते और पार्टिसिपेट किया हो। ये सिर्फ नहीं किसी मेडल वाला को देगा, डेट इज नंबर टू। एंड थर्ड, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, यू मे बी ए क्लास वन और यू आर मे बी ए ग्रेजुएट, एज का भी कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स वी गिव प्रेफरेंस टू द जो यंग वालों को पहले प्रेफरेंस देते हैं, और एंड वी गिव स्पेशल एम्फेसिस टू द गर्ल्स बिकॉज गर्ल्स लाइक नोटिस इज स्टोर हाउस ऑफ ए मेडलिस्ट, पोटेंशियल मेडलिस्ट लाइक ए मेरी कॉम, लवलीना, मीराबाई चानू और भी बहुत लोग हैं। सर इस बेनिफिट्स को उतारने के लिए कैपिटल रीजन्स में तो बहुत सारे लोग मालूम होगा, बट इंफॉर्मेशन जो बस्ती सेक्शंस में होगा उसको आपको किस तरह से अवेयरनेस किस तरह से रीच आउट कराएंगे? इसीलिए कह रहा हूँ ये एंटोनी, आई थिंक यू शुड एबल टू टेल इसको हाउ वी आर गोइंग टू डिसेमिनेट, हम लोग उनको देंगे। दिस कुड बी रीच थ्रू योर पार्टिसिपेशन लाइक यू हैव कम, यू आर क्वेरिंग, वी कैन रीच द ग्रास रूट, सो थ्रू मीडिया, मीडिया इज अ पोर्ट पिलर ऑफ द कंट्री, सो यू आर द बेस्ट
our partner to reach with the grassroots in days to come. Taco sir, ye essence sir has mentioned ki aap log collab karenge, collaboration karenge aapke Olympic Association. To kis level tak aap log jo participant hai ya candidate hoga usko kis angle ya kis level tak help karenge? ये हम लोग ओलंपिक का अंडर में सारा स्टेट का एसोसिएशन लोग एफिलेटेड है. इनको जो मेडल है, जैसे अभी जो मेडल लेने वाले, सारा डाटा हम लोग मेंटेन करता है. तो अभी इन लोग दे वी ऑल्सो वेरीफाइड, तो हम लोग रिकमेंड करेगा कि दीज आर पोटेंशियल. जो पोटेंशियल है हमारा मेडल विन का, आपका इंटरनेशनल नेशनल लेवल विन है, तो उसको सपोर्ट करें. और ये डाइट जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बेसिक जो एस्पेक्ट है स्पोर्ट्स के लिए, स्पेशली आपको चाहे जो भी स्पोर्ट हो, चाहे कराटे हो, चाहे वेट लिफ्टिंग हो, खास करके वेट लिफ्टिंग का बहुत ही डाइट ये मीटिंग. आई थिंक जो आया वाला है ये हम लोग के लिए बहुत काफ़ी इंकरेजमेंट है. और उसको लेके मैं थ्रो आपसे मैं यहाँ अरुणाचल का गवर्नमेंट को प्लस यहाँ का जो कंपनी लोग है, ऐसे नहीं कि अरुणाचल में कंपनी नहीं है, बहुत सा कंपनी लोग है यहाँ, यहाँ बिजनेस इस्टेब्लिश करना बहुत लोग हैं, उन लोग भी आगे आए. गवर्नमेंट आप उनको बुला के मीटिंग कीजिए, मीटिंग करके एक स्पोर्ट्स को एडॉप्ट करने लीजिए. हमारा दिल्ली का वाला आके एडॉप्ट कर सकता है, वही अरुणाचल के नॉट डू. सो दिस इज ए गुड लेसन फॉर दी स्टेट ऑफ अरुणाचल. सर पीयूष गांधी जी का अभी इंटरव्यू लिया है सर, उनका कहना था कि स्टेट गवर्नमेंट शुड इंटरवीन एंड थोड़ा फंड प्रोवाइड करना चाहिए. ठीक है, आई थिंक दैट इज स्टेट गवर्नमेंट, वो तो करेंगे. आई वॉन्ट टू एड मोर, जो बामांग ने बहुत अच्छा उन्होंने बताया. आई वॉन्ट टू एड सर, यू हैव स्पेसिफिक क्वेश्चन, हाउ आर यू गोइंग टू रीच आउट. हमारे हेल्पिंग हैंड में वी हैव ए आईटी सेल, एंड दीज डेज यूथ्स आर व्हाट्सएप में, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में तो है ही है. सो वी आर कनेक्टेड विथ 47 आईटी सोशल मीडिया फॉर व्हिच आर वेरी पॉपुलर, लाइक योर अरुणाचल बॉयस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आपका टीवी हो, यू नो आंसू आपसू. सो आवर एम इज टू रीच आउट थ्रू देम, नंबर अपार्ट फ्रॉम वर्ड थ्रू ओलंपिक एसोसिएशन in social media, we are sending it to the panchayat member, we are sending it to the district sport officer, we are sending it to the other even municipal like Itanagar and Nalagan. And not only that, hum log ye bhi hum log we are encouraging plus we are strategizing ye kar rahe ki khelne ke liye jagah ho tabhi to khel payenge na. So that's what we are like zero mein padiyu mein jo stadium mein I went myself, peshab karne ke liye jagah nahi hai. So we are telling and we given suggestion, we'll take over. Mm. Why not SA, we'll maintain them. Mm. So we're strategy. We want to know is, जो आपने आप लोग का स्कॉलरशिप के अंदर में सीट लिमिटेशंस कुछ स्पेसिफिक है रहेगा या कॉमन फॉर एनी टारगेट, एंड देन कैसे आप लोग क्लासिफाई करेगा कि कौन गोडा है नहीं गोडा पॉइंट. बहुत सारे इनिशियली सिंस ये बिगिनिंग है, पायोनियरिंग है, हम लोग ये कर रहे हैं कि जिन्होंने स्टेट लेवल पे जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हो उनको लेकर के ऊपर लेवल तक अभी दिए इनिशियल किया. एंड इन फ्यूचर आवर सीईओ ऑफ द बीआरए इज आल्सो देयर, वी विल एक्सप्लोर फॉर एक्सपांशन सब्जेक्ट टू कि वो लड़का लोग कैपेबल है, खेला है, पार्टिसिपेट किया है एंड प्रॉमिसिंग एंड परफॉर्मेंस विल डिटरमाइन कंटिन्यूटी.